हेलो फ्रेंड्स, तो जब कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो फ्रेंड्स मुझे लगता है क्यों ना जाके पकोड़े बना लें। तो पकोड़े बहुत तरह के होते हैं, प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े। तो फ्रेंड्स आज हम एक ही चटपटा और स्वादिष्ट पकोड़ा बनाने वाले हैं, वो है बैगन के पकोड़े। एकदम नए तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स, और इतना अच्छा, इतना क्रिस्पी लगता है खाने में कि आप एक बार बनाइएगा तो ना, तो मिनटों में प्लेट चट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट बनाते हैं बैगन के पकोड़े। तो फ्रेंड्स बैगन पकोड़ा बनाने के लिए बैगन को मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं और इसके दो पीसेस मैंने बीच में कर दिए थे फ्रेंड्स, और तब मैंने पतले पतले लंबे लंबे पीसेस किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको साइड कर देते हैं और इसकी बैटर की तैयारी करते हैं। तो ये मैं बेसन ले रही हूँ फ्रेंड्स, 100 ग्राम बेसन है। तो चलिए इसको डाल देते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें हम 2 चम्मच सूजी डालेंगे फ्रेंड्स पकोड़े क्रिस्पी बनाने के लिए, और ये आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर फ्रेंड्स, ये आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर फ्रेंड्स, और ये थोड़े से जवाइन है फ्रेंड्स, और ये थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच फ्रेंड्स काली मिर्च पाउडर है, ये थोड़ी सी हल्दी है फ्रेंड्स, और ये 1 चम्मच काला नमक है फ्रेंड्स, और 3 चम्मच में लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स 3 चम्मच मैंने डाल दिए हैं। अब ये थोड़ा सा सादा नमक डाल देते हैं, और 1 कप पानी देके इसका हम अभी पेस्ट तैयार करेंगे फ्रेंड्स। बाद में और पानी डालेंगे, पहले इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे फ्रेंड्स, और ये अच्छी तरह से मिल जाए। तो फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह से फेंटते हुए हमको मिलाना है ताकि कोई लम्स इसमें ना रह जाए। तो ये देखिए इस तरह से फेंटते हुए चलाना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिल चुका है। तो चलिए अब इसमें हम आधा कप पानी और डाल देते हैं फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स पानी मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने 2 चम्मच सूजी डाली थी फ्रेंड्स। इसे जब मैं 10 मिनट रेस्ट होने के लिए रखूंगी तो ये सूजी पानी सोख लेते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं ज्यादा पानी डाल रही हूँ ताकि बाद में ये एडजस्ट हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से मिलाकर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे ताकि सारा मसाला और सूजी अच्छी तरह से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं, तो देखते हैं अब मेरा बेटर तैयार हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं देख रही हूँ 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए इसको खोल कर देखते हैं कि ये अच्छी तरह से सेट हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरह से ये सेट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसके पकौड़े तलने की तैयारी कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी गैस को जला लेते हैं, और कढ़ाई भी मेरा गर्म हो चुका है। तो चलिए इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी पकोड़े तलने के लिए। तो 150 ग्राम में तेल ले रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स तेल मैंने डाल दिए, अब इसे गर्म होने देते हैं। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है। तो चलिए अब पकोड़े तलने से पहले बेसन के बैटर में मैं ये खाने वाला सोडा, मीठा सोडा मिलाऊंगी चुटकी भरे फ्रेंड्स। ज्यादा नहीं मिलाइएगा, थोड़ी सी मिलाइएगा, और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे चम्मच से ही फ्रेंड्स। तब इसमें सारे बैगन मैं डाल दूंगी और बैगन अच्छी तरह से बेसन में कोट कर लूंगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए तेल गर्म हो चुका है। तो चलिए बैगन को अब हम इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से डालना है। तो फ्रेंड्स मैंने ये पकोड़े जुतिया के बाद बनाई थी, खाने में बहुत ही टेस्ट लगी थी, अभी भी मेरे मुंह से स्वाद नहीं जा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आपको भी बना के दिखाई जाए। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आज आपको बैगन के पकोड़े बनाकर दिखा रही हूँ, कितना अच्छा बनता है और कितनी क्रिस्पी बनती है, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो जरूर बनाइएगा और अपने परिवार में सभी को खिलाइएगा, वो बहुत ही तारीफ करेंगे आप। ये देखिए फ्रेंड्स मैं इसको पलट रही हूँ और अच्छी तरह से उल्टा पुल्टा के अच्छी तरह से पका लूंगी जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए और अच्छी तरह से पक ना जाए। तो फ्रेंड्स मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि पकोड़े मीडियम आंच में तलिएगा, और जब ये पकोड़े पक जाएंगे तो इसको धीमा कर दीजिएगा, तब ये धीमी आंच में अंदर तक क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा पकोड़ा तैयार हो गया है। तो चलिए इसको अब प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी पकोड़ा है। तो देखते ही लगता होगा ना कि खा जाए। तो एक बार घर पर जरूर बनाइएगा और खाकर बताइएगा कि ये पकोड़े कैसे बने। तो फ्रेंड्स मेरी ये बैगन के चटपटे पकोड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक नहीं करना भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।